हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिव कुमार। आप देख रहे हो सचिव इलेक्ट्रिक चैनल। और ये मोटर फोर पोल का मोटर है दोस्तों, 1440 आरपीएम में। और इसका हम बाइंडिंग की वीडियो नहीं बनाए दोस्तों, कनेक्शन की वीडियो बनाए हैं, क्योंकि ये मोटर थोड़ा सा हमको जल्दी देना था। ठीक है, कनेक्शन की वीडियो हम बनाए हैं। और यह स्टार्टिंग वाली वायरिंग हमने कर देते हैं अंदर, ताकि आपको दिक्कत कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये वाली जो देख रहे हो वायरें, ये वाली ये थोड़ी सी क्वालिटी बनाने में घट गई थी, इसलिए हम दिए हैं दूसरी बार दिए हैं। ठीक है, और ऐसा भी हम स्लीविंग लगाएंगे, कुछ इस तरह से स्लीविंग लगाएंगे। ठीक है, और ये मोटर को दोस्तों हम बाइंडिंग वीडियो नहीं बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों टाइम लगता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए हैं, क्योंकि इस कनेक्शन की वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल हम अच्छी तरीके से समझाएंगे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों, बट आप ध्यान से देखोगे तभी दोस्तों। ठीक है, पहले हम और फिट करके दिखाएंगे दोस्तों कि बाहर में इसके हो जाएंगे 8 लीडे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 8 तारे हो जाएंगे बाहर में, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 तारे कैसे बनती है, और इसके हम डबल तार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज का मोटर है, 220 वोल्ट पर ये चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्तों, सभी वायर को हमने छील लेंगे, और छील के उसके बाद हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसका बाइंडिंग किया है दोस्तों डबल 21 नंबर से, और स्टार्टिंग सिंगल 22 नंबर से। ठीक है, और ये हेवल्स कंपनी का मोटर है, 1 HP क्लच प्लेट वाली। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये वाली तारे हमारी आउटर है, और ये वाली हमारी इनर है। ठीक है, तो हम आउटर ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 से 3 कनेक्शन देना है, 1 2 3। ठीक है, इसको कर देना है बीच। पहले हम किए हैं दोस्तों आउटर ज्वाइंट, आपको ध्यान देना है, और ये वाली आपको लगा देने हैं, क्योंकि ज्वाइंट को ढकने के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि हम पहले हम आउटर ज्वाइंट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में भी करना है आउटर ज्वाइंट। ठीक है, और जिस तरह से आपको घूमना है दोस्तों, ठीक उसी तरह से स्टार्टिंग में भी घूमना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ठीक इस तरह से मोटर घुमा लेने हैं, घुमा दिया। और ये वाली बारी आपको छोड़ देने हैं लूपिंग के लिए, यहाँ से आपको चलना है, क्योंकि ये बारी यहाँ से आती है, इसमें से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से देना है, इसमें से गिनना, इसमें भी 1 से 3 गिनना, 1 2 3। ठीक है, इसको भी इस तरह से साइड करके इसको भी लगा देना। ठीक है, और ये हमारा होगा जॉइंट, होगा इनर जॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पहले किया था आउटर जॉइंट, ये हमारा इनर जॉइंट होगा। और ये इस तरह से आपको अच्छी तरह से मरोड़ देना है, ये हो गया। अब ठीक इसका हम ज्वाइंट करेंगे, ये इनर रन हो गया। अब हमारा कनेक्शन आउटर होगा, 1, और ये कनेक्शन वाला 2, और ये 3। ठीक है, 1 से 3, ये हमारा भी आउटर ज्वाइंट होगा। पहले होगा आउटर, फिर दूसरा होगा इनर, फिर तीसरा भी होगा आउटर होगा, तो इनर हमारा बच जाएगा लूपिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये देखो, ये हमारा इनर बार, ये हो गया रनिंग 1, और ये हो गया रनिंग 2। इसको कर देते हैं नीचे, और ये इसको ठीक से ऐंठ देना है, मरोड़ देना है, टाइट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर भी इस पर हम सोल्डरिंग भी करेंगे, लेकिन अपने अच्छी तरीके से आपको टाइट कर देने हैं। और ये इसको फिर बचे हुए वायर को काट लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर हम सोल्डरिंग करेंगे। अब हम स्टार्टिंग वाली वायर निकालते हैं। ठीक है, आपको कहा था दोस्तों कि जिस तरह से आप रनिंग में चले थे, बिल्कुल इसी तरह से स्टार्टिंग में भी चलना है, आपको देखना है दोस्तों ध्यान से। इसमें भी करेंगे सेम उसी तरह से करेंगे, इसमें भी आपको स्लीविंग लगा लेने हैं। ठीक है, सभी में ये हमने स्लीविंग सेम लगा लिया दोस्तों। आपको ध्यान देना है दोस्तों, इस सभी को वायर को आपको छील लेने हैं, और छील के दोस्तों आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में भी आउटर से भी कनेक्शन शुरू करना है। ठीक है, बिल्कुल रनिंग तरह ही जैसे किए थे उसी तरह से स्टार्टिंग में भी करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको ध्यान से दोस्तों, ये वाला हमारा आउटर जॉइंट है, और ये हमारा इनर है। ठीक है, हम आउटर शुरू करेंगे यहाँ से, जिस तरह किए थे रनिंग में, ठीक उसी तरह से स्टार्टिंग में भी इस तरफ से ही चलना है। ठीक है, हम आउटर जॉइंट करेंगे, 1 से 3 ही देना है। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा आउटर भी ज्वाइंट होगा, ठीक रनिंग की तरह ही इसको लगा देना है, ताकि ज्वाइंट को ढकने के लिए। इसको भी ठीक अच्छी तरह से
मचूर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली वायर है, ये वाली आपको ध्यान देना है, ये छोड़ देना है लूपिंग के लिए, आपको यहाँ से चलना है, ठीक है, यहाँ से जो कि ये वायर आती है जो कि इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ चलना है 1 2 3, ठीक है। ये हमारा इनर इनर कनेक्शन होगा दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहें और बातें को ठीक से समझते रहें। पहले हमारा हो गया आउटर आउटर जॉइंट, और दूसरा हमारा इनर इनर, और तीसरा भी हमारा होगा आउटर आउटर जॉइंट होगा, ठीक है, एक और ये कनेक्शन वाले 2 और ये 3, ठीक है, ये हमारा तीसरा जॉइंट है क्योंकि हमारा ये आउटर आउटर जॉइंट है, और ये वाली आपको लगा देने हैं जॉइंट को ढकने के लिए। ये तीसरा जॉइंट हमारा आउटर आउटर कनेक्शन है क्योंकि इनर इनर हमारा लूपिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में भी निकलना चाहिए इनर और रनिंग में भी निकलना चाहिए इनर, ठीक है। सभी को ठीक से आपको देखो ये इनर वाली है, ठीक है, लूपिंग के लिए, और सभी को आपको ठीक से ऐंठ देना है, टाइट कर देना है, मरोड़ देना है टाइट से बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और कहीं जाना मत दोस्तों, क्योंकि आगे हम इस वीडियो में और भी कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। बाहर का कनेक्शन ये हमारा हो गया, और सभी में अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है, सभी में ये अच्छी तरह से आपको सभी में आपको सोल्डरिंग कर देने हैं। और इस मोटर को हम दोस्तों फिट करेंगे, फिट करके अब बाहर का कनेक्शन हम समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि बाहर में हमारे हो जाएंगे 8 लीड हो जाएंगे, ठीक है, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के, 2 कैपेसिटर के, 2 क्लच वाले वायर के, ठीक है। अब सभी में हम सिलाई मार देंगे, ठीक है, और ये वाली जो है जॉइंट को सभी को ढक देने हैं, ठीक है, ठीक है, स्लीविंग चढ़ा करके ऊपर से सभी जॉइंटों को ढक देने हैं, ढक के, और फिर आपको पेपर लगा देने हैं, पेपर लगा करके सिलाई आपको मार देने हैं, ठीक है, बिल्कुल पहले आपको सभी जॉइंटों को ढक लेने हैं। ये सभी हो गया हमारा, अब सभी देखो आप, अब हम केबल हम जोड़ते हैं, ये देखो ये 2 स्टार्टिंग वाले वायर हैं और ये 2 रनिंग वाले वायर हैं, ठीक है, आपको ध्यान से रखना है कि हम किस वाले में किस वायर जोड़ते हैं, ठीक है, ये रनिंग वाले हैं दोस्तों, रनिंग वाले में हम रेड वाले केबल जोड़ते हैं, ठीक है, रनिंग वाले में रेड केबल जोड़ते हैं, आपको ध्यान रखना होगा बाहर में कौन वाले वायर निकालते हैं हम, ठीक है, आपको इतना आपको ध्यान रखने हैं। इस रनिंग वाले में भी रेड वाले वायर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, देखो ये रनिंग वाले में हुई हमारा, इसको यहाँ से काट देने हैं, इसको भी यहाँ से काट देने हैं, ठीक है, और ये पीला वाला हमारा स्टार्टिंग है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि पीला वाला स्टार्टिंग है, आपको इतना ध्यान रखना है पीला वाला स्टार्टिंग है, ठीक है। ये दूसरे में भी पीला वाला हम स्टार्टिंग दे देते हैं, ठीक है, हो गया, और बचे हुए वायर को काट देने हैं, ठीक है, हो गया। ये देखो ये 2 पीला वाला स्टार्टिंग और ये 2 लाल वाले रनिंग, ठीक है, अब हम सिलाई मार के कर देते हैं कंप्लीट, फिलहाल सोल्डरिंग कर देते हैं। देखो सिलाई हमने मार दिया दोस्तों, सिलाई मार के देखो हम वार्निश भी कर देते हैं, और 2 घंटे के बाद इसको फिट कर देंगे सुखा के, ठीक है। और देखो दोस्तों बाहर में बिल्कुल अभी 4 तारे हैं, और 4 तारे और इसमें शामिल होंगे, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग की है हमने, ठीक है, बिल्कुल फुर्सत से हम बनाए दोस्तों, ठीक है, हो गए दोस्तों। ये देखो ये रेड वाले हमारे रनिंग है और पीला वाला हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, ये पीछे वाला फ्रेश है, देख सकते हो पीछे वाला फेस बोलते हैं दोस्तों हम, फ्रेश बोल दिया, ठीक है, अब इसे हम कसेंगे दोस्तों, ठीक है, ये इसका रोटर है, और ये जो दिख रहा है ब्लैक वाली, ये गवर्नर है जो कि चलती है तो डाउन हो जाती है, ठीक है, और बंद होती है तो अप हो जाती है, ठीक है, और इसका क्लच प्लेट है जो कि इस तरह से होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका पॉइंट कहाँ से सटती है, जब फिट करोगे दोस्तों मोटर को जब फिट करोगे तो ये पॉइंट आपस में सट जाएंगे, ठीक है, और नहीं अगर सटेगी दोस्तों तो दिक्कत रहेगी, आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है, इसको हम कस देते हैं फिर से। देखो ये रोटर हमें डाल दिए हैं, और ये मोटर खड़ी कर देंगे अच्छी तरह से, और ये फिर से हम सेंटर प्लेट डालेंगे ये वाली, ये हमने देखो डाल दिए हैं। अब हमारी हो गए दोस्तों
छः वायर, ठीक है। ये हमारे दो काला वाले हमारे क्लच प्लेट के हैं, आपको ध्यान रखना है काला वाला क्लच प्लेट के बारे में, ठीक है। ये हो गया देखो, और ये रड में हम ये स्लीविंग लगाए दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये अंदर से जाती है, क्योंकि ये कॉइल को टच ना करे, अगर हो भी जाएंगे दोस्तों टच तो बिल्कुल बॉडी करंट नहीं आएंगे दोस्तों, इसलिए हम इसमें स्लीविंग लगा दें, ठीक है। देखो इस वाली में स्लीविंग है, सभी में हमने स्लीविंग लगा दी दोस्तों, क्योंकि अगर कॉइल में अगर टच भी हो जाएंगे दोस्तों तो बॉडी करंट इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, हम बिल्कुल इसको अच्छी तरह से इसको हम टाइट करेंगे बिल्कुल बोर्ड से। ये हो गया दोस्तों, बिल्कुल सभी को अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट कर लेने हैं। ये हो गया, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है 150 से 200 UF, ठीक है, स्टार्टिंग है। इसको इस ढक्कन में रख देते हैं, और ये ऊपर से इसका ये रबड़ होता है जो कि बॉडी करंट नहीं आए और क्योंकि हीट भी नहीं हो, ठीक है। इस तरह से रखने हैं, इस तरह से इसको बॉडी में कस देना है। देखो अब हमारी टोटल हमारी 8 वायरें हो गए दो कैपेसिटर के, ठीक है। और ये उस पर केबल के ऊपर से ये ढक्कन है जो कि ये केबल में अंदर से डाल करके ये कस देते हैं। इसको हम पहले टाइट कर देते हैं बोल्ट से, यहाँ से देखो ये हमारी टाइट हो गया, ठीक है। और ये पीछे से एयर ढक्कन लगा देने हैं, इसको भी टाइट कर देने हैं। अब हम चलो दोस्तों कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से रखना है दोस्तों कि ये रेड वाली रनिंग है और दो पीला वाला स्टार्टिंग है, और ये ब्लैक वाली क्लच प्लेट की है, और ये दो बाहर वाली स्टार्टिंग कंडेंसर की है, ठीक है। अब हमारी टोटल 8 वायरें हो गई दोस्तों, आप ध्यान से देखो किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। मेरे दोस्तों एक रनिंग लेना है और एक स्टार्टिंग लेना, ठीक। देखो एक रेड एक पीला लिया है, इसको जोड़ के बना देना है कॉमन, ठीक है। ये देखो ये हमारा कॉमन हो चुका है, ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ दोस्तों। और एक लेना आपको स्टार्टिंग लेना है जो कि नीचे वाले होल से आपको पार करना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और ये आपको जोड़ देना है एक क्लच प्लेट वाले तार के साथ, ठीक है। देखो काला वाला हमारा क्लच प्लेट है, इसको साथ हमने जोड़ दिए, ठीक है, हो गया। देखो एक स्टार्टिंग कैपेसिटर एक क्लच वाली प्लेट के साथ एक बार हमने जोड़ दिए, ठीक है। और ये हमारा हो गया, और ये दूसरा वाला हमारा इस होल से पार करना है, और ये दूसरा वाला स्टार्टिंग वाले तार से जोड़ देने हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, ये स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर और ये स्टार्टिंग वाले कॉइल के पीला वाले तार से आपको जोड़ देने हैं, ठीक है। देखो हमने जोड़ दिया, अब हमारा एक बच जाता है क्लच प्लेट वाले और ये हमारे रनिंग वाले, इसको इसको मिला के इसको साथ रनिंग वाले और क्लच वाले प्लेट वाले तार इसके साथ जोड़ देने हैं, ठीक है। देखो हमने जोड़ दिया, और आपको करंट देना है दोस्तों ये कॉमन वाले वायर पे और ये रनिंग वाले तार पे, ठीक है, यानी कि दूसरा रेड वाले तार दूसरा रनिंग वाले तार पर आपको करंट देना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो और ये हमारी करंट वाली वायर है, एक हमने जोड़ देते हैं और दूसरा हमारे हाथ में है, एक हम सटाएँगे, ठीक है। देखो देखो हमारी मोटर चालू हो गए दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्यार करें दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।